लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मौसम विभाग ने कई स्थान भारी बारिश की चेतावनी। केरल के एर्नाकुलम में भारी बारिश की वजह से जिला प्रशासन ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। देश में मानसून ने फिर से गति पकड़ ली है। पूर्वोत्तर, मध्य व दक्षिण हिंदुस्तान के राज्यों में मानसून बहुत ज्यादा सक्रिय है। पूर्वोत्तर के 4 राज्य मणिपुर, त्रिपुरा, असम व मिजोरम बाढ़ की चपेट में हैं। भारी बारिश ने इन राज्यों में तबाही मचाई है, जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्र में 15 जगहों पर 100 से 270 मिमी तक बारिश हुई है, जबकि मौसम विभाग ने कई स्थान भारी बारिश की चेतावनी दी है। पूर्वोत्तर रेलवे PRO ने बताया कि कोटायामिटुमानूर सेक्शन में बुधवार को 10 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। वह रेल पुलों के नीचे लगातार बारिश व उच्च नदी के पानी के स्तर के कारण एर्नाकुलम से पुनालूर के बीच 2 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। कहीं तबाही तो कहीं अभी भी सूखा। मौसम विभाग के निदेशक KG रमेश ने बताया कि बीते मंगलवार को सीजन की सबसे ज्यादा बारिश हुई। करीब 15 जगहों पर 100 से 300 मिमी वर्षा हुई। गुजरात में खासकर सौराष्ट्र के इलाके में बारिश ने तबाही मचाई है। बाढ़ प्रभावित 7 जिलों से 4000 लोगों को बचाया गया है। गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ में 44.8% ज्यादा बारिश हुई और एक दिन में महीने की 30% बारिश हुई है। गुजरात में अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी तक मानसून का वितरण अच्छा नहीं रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा में मानसून की बेरुखी अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश, बिहार में अब तक 45% तक कम वर्षा हुई है। राष्ट्र के 91 जलाशयों में पानी पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक है। अभी 32.847 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी है। यह कुल स्टोरेज क्षमता का महज 20% है। यह हम है कि इन 91 में से 31 जलाशय दक्षिण हिंदुस्तान में है, जहां मानसून बहुत ज्यादा मजबूत रहा है। 11 राज्यों में कम बारिश से खेती पर प्रभाव पड़ा है। अब तक 333.76 मिलियन हेक्टेयर बुआई हुई है, बीते वर्ष की तुलना में 14% कम है। बंगाल, UP, बिहार, झारखंड में कम बारिश से धान का रकबा 15% हुआ। मौसम विभाग ने कोंकण व गोवा, गुजरात में सौराष्ट्र रीजन, पूर्वी व पश्चिमी मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के विदर्भ व मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।